राजनीति में कई बार मजबूत को सही मानकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। हम लोगों की सोच यह है कि नहीं, सही व्यक्ति भले कमजोर हो, उसके पीछे साधन व्यवस्था लगाकर उसको मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति को सही मानकर अगर जिता दिया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो पहली बात है कि आदमी सही ढूंढ कर निकाला जाए, दूसरा सोच उसकी सही हो, सोच ये हो कि बिहार को अगले 10 वर्ष में कैसे विकसित बनाना है, बिहार के लोगों का कैसे उनकी बेहतरी करनी है, बजाय इसके कि किसी जाति किसी परिवार की बात हो, और तीसरा किसी एक व्यक्ति पर पूरी व्यवस्था न आधारित हो। इसलिए सामूहिकता से कोई प्रशांत किशोर इसको नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि हम दल बना रहे हैं, हम सही व्यक्ति हैं, हमारी सोच सही है, हम इसको ठीक कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि किसी एक प्रशांत किशोर के, 10 प्रशांत किशोर के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक समाज से हजारों लोग एक साथ आकर, सही सोच वाले लोग एक साथ आकर सामूहिक तौर पर साथ चलने का, साथ काम करने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक सुधार संभव नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल बनाने में दूसरों को एक दिन लगता है, एक घंटे में लोग दल बना देते हैं, वो दल बनाने में ही मैं 2-3 साल लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? इसलिए लगा रहा हूं कि जो लोग ये दल बनाए, जब ये दल बने, जो लोग इस दल को बनाए, वो दल किसी जाति विशेष का ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी परिवार का दल ना हो, बल्कि वो बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो लोग बिहार में व्यवस्था बदलना चाहते हैं, एक नया विकल्प, नया प्रयास के भागीदार बनना चाहते हैं।